करती हूँ बेटा, आप सब लोग पहले से होंगे। आज मैं आपको क्लास टू का इंग्लिश का यूनिट टू का लेक्चर नंबर टू डिलीवर करूँगी। लेक्चर नंबर वन हमने कल किया था, जिसमें हमने यूनिट नंबर टू यानी विजिट टू सफारी पार्क की हाफ रीडिंग की थी। आज हम नेक्स्ट हाफ करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 12 ओपन कर लें, इंग्लिश की बुक यूनिट नंबर टू पेज नंबर 12। जी बेटा, चैप्टर का ये था विजिट टू सफारी पार्क। यस, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वर इन केजेस। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वर इन केजेस। सम ऑफ देम वर ओनली इन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज। सम ऑफ देम वर इन ओनली इन बाउंड्रीज। देयर वर मैनी पीपल टू। देयर वर मैनी पीपल टू। सम चिल्ड्रन वर आल्सो गिविंग फूड टू द एनिमल्स। सम चिल्ड्रन वर आल्सो गिविंग फूड टू द एनिमल्स। इट मे बी डेंजरस। क्या वर्ड है? डेंजरस। इट मे बी डेंजरस। देयर वॉज एन एलिफेंट। देयर वॉज एन एलिफेंट। अ मैन वॉज सिटिंग ऑन इट। अ मैन वॉज सिटिंग ऑन इट। ही वॉज गिविंग राइड टू द चिल्ड्रन। टू द चिल्ड्रन। He was giving ride to the children. The elephant was taking money from the children with the help of his trunk. क्या वर्ड है? Trunk. And was giving it to his owner. He was giving ride to the children. The elephant was taking money from the children with the help of his trunk and was giving it to his owner. जी बेटा, आज हमने हाफ रीडिंग टेक्स्ट की है। इंशाल्लाह कल हम यूनिट नंबर टू का लेक्चर नंबर थ्री डिलीवर करेंगे। जो रीडिंग बाकी रह गई है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रह गया, उसकी बकाया की रीडिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आ बेटा, इस चैप्टर की रीडिंग को अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स की या निगरानी में बैठ के करते रहिएगा। अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।